हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गर्मियों में कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए बनाते हैं लेमनेट मोहितो। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इस गर्मियों में इसे पिएंगे तो आप रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। चलिए बनाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनती है। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे लेमनेट मोहितो। ये बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए चाहिए 5 से 6 नींबू और सादा नमक। सबसे पहले नींबू को लेते हैं और उसके ऊपर नमक से स्क्रब करेंगे, यानी अच्छे से नींबू के ऊपर नमक को रगड़ेंगे। इसी तरह सारे नींबू को नमक से अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे नींबू को नमक से अच्छे से स्क्रब कर ली हूँ और इसे अब डालूँगी सादा पानी में और इसे अच्छे से धो लूँगी। पानी में भी इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे। अब नींबू को निकाल लेंगे किसी प्लेट में और यहाँ पे ली हूँ बेकिंग सोडा और यही प्रक्रिया जो नमक के साथ किए थे बेकिंग सोडा के साथ करेंगे स्क्रब। इसी तरह सारे नींबू को अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सोडा से भी अच्छे से साफ कर ली हूँ नींबू को, यानी स्क्रब कर ली हूँ। अब सारे नींबू को सादा पानी में डाल देंगे। और जो यहाँ पे बेकिंग पाउडर बच गया था उसे डाल देंगे सारे पानी में और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में। दस से पंद्रह मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि पानी में नींबू के साथ झाग आ चुके हैं, यानी जब भी बेकिंग सोडा या पाउडर के साथ नींबू को डालते हैं तो झाग बन जाती है। तो ऐसा आप देख सकते हो पानी में, और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं नींबू। और इसे भी अच्छे से धो के निकाल लेंगे प्लेट में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पहले से ही पानी रख दी थी गर्म होने के लिए। और डाल देंगे सारे नींबू को उबलते हुए पानी में 1 से 2 मिनट के लिए। ऐसा करने से नींबू बहुत सॉफ्ट हो जाता है और स्किन एकदम मुलायम हो जाती है और इसमें से जो भी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। और यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब कर देंगे गैस को बंद और इसे उतार लेंगे और एक दूसरे बाउल में ठंडा पानी ले लेंगे, यानी फ्रिज का पानी, और इसमें सारे नींबू को डाल देंगे। और यहाँ पे मैं सारे नींबू को ठंडे पानी में डाल दी हूँ और इसे आप देखोगे छूने में ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन गई है नींबू। और इसे भी ठंडे पानी में अच्छे से हल्के हाथों से साफ कर लेंगे। और यहाँ पे एक किचन टावल ले लेंगे और सारे नींबू को निकाल के किचन टावल पे रखते जाएंगे। अब पानी को साइड कर देते हैं और नींबू को किचन टॉवल से अच्छे से पानी को सुखा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किचन टॉवल में सारे नींबू के पानी को सुखा दी हूँ
और ये अच्छे से सूख के तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन गए हैं जैसे रसगुल्ला। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे गोल गोल पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पे सारे नींबू को गोल गोल पीसेस में काट के रेडी कर ली हूँ। अब मेन पॉइंट आता है कि इसमें के सारे बीज को चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। एक एक करके नींबू के सारे पीसेस में से मैंने बीज निकाल ली है, आप देख सकते हैं। आप भी ऐसे ही सारे बीज को निकाल लीजिएगा। अब एक बाउल लेते हैं और सारे पीसेस को डाल लेते हैं बाउल में। और यहाँ पे लूँगी 2 कप चीनी और इसे थोड़ा थोड़ा करके स्लाइस में डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी स्लाइस बनके तैयार होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह सारे पीसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ पाउडर शुगर के साथ। अब एक सूखा जार ले लेंगे। जार कांच की हो तो सबसे बेस्ट है। और कांच को अच्छे से धो लीजिए और उसे अच्छे से पोंछ लीजिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और सारे स्लाइस को डिब्बे में डाल लेंगे और बाकी चीनी को डिब्बे में डाल देंगे और इसे एक दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, पूरे एक दिन के लिए। और उसके बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। एक दिन के बाद देखोगे कि चीनी नींबू के साथ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और उसके बाद फ्रिज में रख देंगे और ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ एक दिन के बाद मैं लेके आई हूँ और ये देखिए, ये चीनी अच्छे से नींबू के साथ पिघल गया है और इसे मैं फ्रिज में रख दी थी और ये काफ़ी ठंडा है। तो आप देख सकते हो कि नींबू के साथ चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नींबू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे मैं सर्व करूंगी। एक ओखली ले लेते हैं और इसी में डाल लेंगे मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते और साथ में डाल लेते हैं लेमनेड मोहितो और इन सबको डाल के अच्छे से क्रश कर लेंगे। और इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे ताकि मिंट लीव्स का फ्लेवर लेमनेड मोजिटो में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा फ्लेवर दे। तो यहाँ पे अच्छे से क्रश कर ली हूँ। अब एक सर्विंग गिलास लेंगे और इसी में डाल देते हैं। और साथ में डालेंगे लेमनेड मोहितो के जूस। अब मैं इसे अलग फ्लेवर में बनाऊंगी बेजल लीव्स के साथ। और ओखली में डाल लेते हैं कुछ पत्ते बेजल लीव्स यानी तुलसी जी के पत्ते और साथ में डालेंगे लेमनेड मोहितो और इन सबको डाल के अच्छे से क्रश कर लेंगे। आप इसे गिलास में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग ओखली में कर रही हूँ। और ये अच्छे से क्रश हो चुके हैं, अब इसे भी मैं गिलास में डाल लूँगी।
अब इसे अच्छे से सर्व करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पुदीना और लेमनेड और इसी में डाल लेते हैं आइस क्यूब और इसे मैं सर्व करने वाली हूँ मरिंडा के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं मरिंडा को डाल देती हूँ लेमनेड में और ये देखिए क्या लाजवाब लग रही है। अब इसे मैं चम्मच की सहायता से मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे मैं सजाऊंगी स्ट्रॉ के साथ, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये लीजिए गर्मियों में पीने के लिए, ठंडा ठंडा कूल कूल बन के रेडी है, है ना लाजवाब एकदम। अब मैं दूसरे फ्लेवर में बनाती हूँ, इसे मैं बनाऊंगी लिमका के साथ। आप यहाँ पे सोडा भी यूज कर सकते हैं। और इसी में डाल लेते हैं आइस क्यूब और साथ में सर्व करेंगे लिमके के साथ। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ऊपर से गार्निश कर दूंगी बेजल लीव से। तो लीजिए बनके तैयार है, ठंडा ठंडा कूल कूल। गर्मियों में आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो लीजिए बनके तैयार है लेमनेड मोहितो। ये पीने में बहुत टेस्टी लगती है और देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। तो आप इसे स्नैक्स के साथ इन्जॉय कीजिए और इसे आप कोल्ड ड्रिंक की जगह चाय की तरह भी पी सकते हैं। सर्दियों में आप इसे एक बार बनाएंगे तो ये साल भर ख़राब भी नहीं होती। आप इसे बना के फ्रिज में रख दीजिए और जब चाहें बना सकते हैं। ठंडियों में भी बना सकते हैं। लेमनेड मोहितो को आप कप में डालिए और ऊपर से गर्म पानी डालिए। लीजिए बनके तैयार है लेमनेड टी। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।